देहरादून में इंडिया गठबंधन और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और डीजीपी अभिनव कुमार से मुलाकात की, साथ ही कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान शीशपाल सिंह बिष्ट ने पुलिस प्रशासन पर पक्षपात से काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, अंकिता भंडारी के प्रकरण को उठाने वाले आशुतोष नेगी को गिरफ्तार करना, हल्द्वानी में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों की जबरन दुकानें बंद कराना, महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट करने की खबरें बेहद चिंताजनक है। ये घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती हैं। और उसके आसपास जो लगातार संविधान की अवहेलना हो रही है, मनमाने तरीके से कानून की व्याख्या हो रही है और जो दमनात्मक कार्रवाई लोगों के खिलाफ हो रही है, उसकी शिकायत आज हमने प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय से भी की और डीजीपी महोदय से भी जो है लंबी वार्ता हुई है। दोनों जगह से हमें आश्वासन मिला है कि जो भी शिकायतें आ रही हैं उसका विधिवत परीक्षण कराया जाएगा और किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हल्द्वानी के कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। जो इस समय लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो वाकई में बहुत खराब है। पिछले 23 सालों में हमने वो घटनाएं नहीं सुनी जो पिछले 2-3 महीने में उत्तराखंड में देखी गई, सुनी गई। हल्द्वानी में जो वनगुरपुरा की जो घटना हुई है वो अपने आप में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक आम आदमी जो उत्तराखंड को बहुत शांत राज्य समझता था वो इस समय घबराया हुआ है, डरा हुआ है। और ऐसे में पुलिस और प्रशासन की भूमिका हो जाती है कि वो आम जनता को सुरक्षा प्रदान करें, और जो दोषी हैं, चाहे उसमें पुलिस वाले दोषी हैं, चाहे उसमें आम जनता दोषी है, चाहे उसमें उपद्रवी दोषी हैं, उन सभी दोषियों को सजा दिलवाए, सलाखों के अंदर करें, और जो आम जनता है, इनोसेंट जनता है, जिनके साथ वहाँ पर कुछ भी बुरा हुआ है, उनको न्याय दें।